हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ग्रेट ड्रेस मेकअप लुक, या फिर आप इसे फेस्टिवल मेकअप भी बोल सकते हो। आप ये वाला मेकअप लुक इजीली किसी भी फेस्टिवल पे क्रिएट कर सकते हो। एंड वीडियो में जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूंगी उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं कामा का रोज वाटर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है। इसे मैं एज अ टोनर यूज करती हूँ। टोनर अप्लाई करने के एक दो मिनट तक हम अपने स्किन को ऐसे ही ओपन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। टोनर अप्लाई करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कनाडा का प्राइमर और अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। पूरे फेस पर प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर के लिए ले रही हूँ मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर। ये भी मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में यूज करती हूँ एंड ये मेरा स्किन शेड है 007। प्राइमर को मैं वहां वहां अप्लाई कर रही हूँ जहां पर मेरी पिगमेंटेशंस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, जहां पर मुझे लगता है कि मेरी स्किन शेड अनइवन है, वहां पर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं एक लूज पाउडर ले रही हूँ और अच्छे से अपने पूरे फेस की पाउडर लॉकिंग कर लूंगी। कंसीलर के बाद मैं यूज कर रही हूँ फैशन कलर की आईब्रो पेंसिल और अच्छे से अपने पूरी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। फिर जो स्पूली दी हुई है उसके साथ मैं कॉम कर लूंगी ताकि प्रोडक्ट जो फिल किया है वो पैची ना लगे। आईब्रो फिल करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ आई कलर। आई कलर के लिए मैं ले रही हूँ पीच कलर, अपनी आईबोल की क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं एक ग्रे पिगमेंट ले रही हूँ और अपने आईबोल के सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ और इन दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि दोनों का पैच ना दिखे। सेम कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं ले रही हूँ कलर बार का ब्लशर और अपने दोनों चिक्स पर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लशर अप्लाई करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कनाडा का हाइलाइटर और अपने दोनों चिकबोन पर अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ कलर बार का 2-in-1 मस्कारा एंड अपनी आईलैशेस को अच्छे से कोटेड कर लूंगी। सबसे लास्ट में मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इसके लिए मैं डायगनो फ्लंडन की लिपस्टिक ले रही हूँ और अच्छे से अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूंगी। सो यहाँ पर मेरा फाइनल लुक कम्प्लीट होता है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। मेकअप का बेस जो है वो बहुत फ्लॉलेस लग रहा है एंड आई मेकअप भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला मेकअप लुक आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो आप लोग जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।